नमस्कार दोस्तों। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने कनाडा इमिग्रेशन की कहानी डिटेल्स में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे इनकरेजमेंट मिलती रहे। तो दोस्तों, मेरा कनाडा इमिग्रेशन का सफ़र स्टार्ट होता है 2012 में। मैं एक बड़ी इंडियन आईटी कंपनी में एम्प्लॉयड था और 4 साल एक प्रोजेक्ट में काम करने के बाद मुझे ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिली। मुझे कहा गया कि भाई अब कनाडा जाना है, क्लाइंट के साथ काम करना है, क्लाइंट के ऑफिस में। तो ऑन साइट अपॉर्चुनिटी कौन आईटी प्रोफेशनल नहीं चाहता, तो मैं बिल्कुल खुश हो गया, आया। तो अभी जैसे आप LMIA देखते हैं, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, उन दिनों इसको LMO कहते थे, उस समय ये इंट्रोड्यूस हुआ था, इसे LMO कहा जाता था, लेबर मार्केट ओपिनियन। तो मेरा LMO प्रोसेस हुआ, फिर मुझे वीज़ा मिला, मैं आया। तो मुझे 1 साल का वीज़ा मिला था और मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ था अगस्त 2012 में और मैंने ट्रैवल किया था सितंबर 2012 में। तो मेरा 1 महीना तो वहीं पे एग्जॉस्ट हो गया था और बॉर्डर पे मुझे वीज़ा इन डेट तक का वर्क परमिट दिया गया, उसको लेके मैं अंदर आया भाई। तो यहाँ पर जब मैं रहने लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये देश, ये लोग, सोसाइटी। तो मैं सोचा यार यहीं पर क्यों ना रह जाऊँ। तो मैं चांसेस देखने लगा क्या प्रोसेस होते हैं। तो उन दिनों कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास होता था और सब कुछ पेपर बेस्ड रहता था, तब कोई एक्सप्रेस इंट्री नहीं थी 2012 में। तो मैंने सोचा भाई 1 साल काम कर लेते हैं, अप्लाई कर देंगे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, 11 महीने बाद मेरा वीज़ा एक्सटेंड नहीं किया गया। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन आपके अगर आप एम्प्लॉयड हैं IT कंपनी में तो आप जानते हैं अपने मैनेजमेंट के सामने आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे वापस भेजा गया। बहुत बुरा लगा मुझे 11 महीने के बाद मुझे ऐसा किया गया। और ऑनेस्टली दोस्तों, मैं बहुत टूट सा गया था, बहुत ही ज़्यादा मैं टूट गया था इस ऐसा होने के बाद। मैं बार बार ये सोचता कि यार मेरे साथ ये क्यों हुआ। 2013 अगस्त में जब मैं वापस गया था, मैं पूरी तरह शैटर्ड था। लेकिन भाई, जीने के लिए कमाना पड़ेगा, कमाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। तो मैं काम जारी रखा अपने कंपनी में, कंपनी छोड़ी नहीं, सोचा कि कुछ करना होगा खुद से, मेरा होप हट गया था। तो मैंने देखा और क्या ऑप्शंस हैं मेरे पास, तो मुझे लगा कनाडा अब नहीं होगा, मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्राई करने लगा। मुझे बाद में ऑस्ट्रेलिया की PR भी मिली, वो भी मेरी स्टोरी है। तो मैंने काफ़ी मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की मैंने, और IELTS क्लियर कर लिया बहुत हाई स्कोर से, जो कि अनएक्सपेक्टेड था मेरे जैसे नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड वाले के लिए। IELTS को उतना हाई स्कोर लाना मतलब बहुत ही अनकॉमन था, जो मैंने कर दिखाया था, सपना मन एक तरह से सच हुआ था मेरा। मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बहुत सारे तकलीफें झेली थी, बहुत इश्यूज आए थे, बट उसकी कहानी मैंने एक दूसरे वीडियो में बताई है। तो हुआ ये दोस्तों कि कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला आपको देता है, अगर आप सच्चे मन से एकदम ऑनेस्टी से किसी चीज़ को हासिल करने के लिए आगे बढ़ो, मेहनत करो ईमानदारी से, और सब कुछ ईमानदारी से उस पर लगे रहो, कभी हिम्मत मत हारो। अगर आप एक तरीका फेल हो रहा है तो दूसरा करो, तीसरा फेल हो तीसरा करो, आप सरेंडर ना करो, क्योंकि अंत में कहते ऊपर वाला कोई ना कोई दरवाजा आपके लिए खोल देता है जिससे कि आप आगे जाओ। लेकिन एक बात और कहते हैं दोस्तों कि ऊपर वाला जब देता है ना, तो देता है छप्पर फाड़ के देता है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि आपको कितना बम्पर देगा। और ये सारी बातें जो मैंने आपको बोली है, मुझे इसकी कोई प्रूफ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे केस में ये हुई है। मेरे ऑस्ट्रेलिया में बहुत मुश्किल हुई थी, मेरे ACS का जो इवैल्यूएशन हुआ था वो सब मैं दूसरे में बताया था, बट अल्टीमेटली हो गया था। तो मेरा वहाँ एक्सेप्ट हुआ और मुझे मेडिकल करवाने जाना था ऑस्ट्रेलिया के लिए। मैं बहुत खुश था कि मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया, मैंने ऑस्ट्रेलिया का मेडिकल करवा के आया। मुझे ईमेल आती है कंपनी से, तुझे कनाडा वापस जाना है, जा दोबारा मेडिकल करा। मैं बोला यार ये क्या हो रहा है। उसी वक्त मेरा US का वीज़ा भी आ गया। मतलब आप देखिए, एक आदमी जो एकदम पूरी तरह शैटर्ड हो गया था, लेकिन मेहनत नहीं करना छोड़ा, ट्राई मारते रहा, बहुत मुश्किल आए, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत सहा, लेकिन कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और लड़ता गया सिचुएशन से। अंत में मतलब कहते हैं ना कि अगर आपका एटीट्यूड ऐसा हो कि आप हार नहीं मानोगे, आपके आगे जो भी चैलेंज है आप उसे लड़ते रहोगे, तो अंत में अगर आप ऐसे अनब्रेकेबल हो तो सामने वाले को ब्रेक होना पड़ेगा। और मेरे साथ ये हुआ और ऊपर वाले ने छप्पड़ फाड़ के दिया। फिर मैंने किया, मेरा कनाडा का वीज़ा भी आ गया, US में गया नहीं, छोड़ दिया भाई अब कौन जाएगा। तो मैं जब आया इधर कनाडा, तो मैंने ट्रैवल किया था 31 दिसंबर 2014 में। तो 2013 अगस्त में वापस आया, 2014 दिसंबर में ट्रैवल किया वापस, और 1 जनवरी 2015 में यहाँ लैंड किया था।
मुझे याद एयरपोर्ट पे हैप्पी न्यू ईयर करके मुझे वर्क परमिट दिया गया था, मैं भी खुश हो गया। तो पहले मेरे पास 11 मंथ्स थे और अब मेरे पास था कि जस्ट एक महीना काम करना है, सीईसी में अप्लाई करना, मैं खुश हो गया। और 2015 वो साल था दोस्तों जब ये एक्सप्रेस एंट्री इंट्रोड्यूस हुई थी, तो मैं बहुत खुश था। अब कनाडा आने के एक वीक बाद 7 जैन को मुझे ईमेल आई, मेरे ऑस्ट्रेलिया पीआर अप्रूव हो गई है। मैं बोला यार ये तो भगवान दिए जा रहे, वहाँ से अप्लाई करके आया, यहाँ कनाडा घुस गया, ऑस्ट्रेलियन पीआर मिल गया। और जैसे मैंने एक मंथ कंप्लीट किए फिर मैंने प्रोफाइल क्रिएट कर दिया एक्सप्रेस एंट्री की। तो एक्सप्रेस एंट्री की जो थर्ड ड्रॉ हुई थी जब 2015 में स्टार्ट होने के बाद, फर्स्ट पर तीसरी ड्रॉ जो हुई थी उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। मेरा स्कोर 485 था और उस समय कट ऑफ 470 गया था, तो मुझे इमीडिएटली उस पर कॉल आ गई थी। मैंने उसे अप्लाई किया और मैंने सब कुछ तैयार करके अपने से किया, A to Z मैंने अपने से किया। और मैंने कुछ ऐसे तक किया काम के जो शायद आप लोग बहुत लोग नहीं करें, क्योंकि उन दिनों जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होती है उसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स की होती थी। तो मैंने इंडिया से एक लिया था दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के पीआर के लिए, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था ये इशू किया जा रहा है फॉर वीजा ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मैंने वही पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कनाडा के लिए भी लगाया, क्योंकि भाई जो कैनेडियन वीजा ऑफिशियल उसको क्या फर्क पड़ता है भाई ये क्लियरेंस सर्टिफिकेट किस काम के लिए इशू किया गया है, उसको बस ये देखना है ना कि मेरा पुलिस क्लियरेंस है कि नहीं, तो वो तो काम कर ही रहा है, तो उसी को मैंने लगा दिया। और तो और यार दोस्तों मैंने और भी बहुत अजीब गरीब काम किया। मुझे मेरी कंपनी से एम्प्लॉयमेंट लेटर उस फॉर्मेट में नहीं मिला था, मुझे बेसिक मिला था, तो मैंने अपने क्लाइंट से लेटर लिया और क्लाइंट ने मुझे हेल्प किया, उन्होंने मुझे दे दिया। उसके बाद ये करीब, उसके बाद जो मेडिकल एग्जाम है, मैं मेडिकल के लिए भी नहीं गया। क्यों? मैंने नवंबर में गया था मेडिकल के लिए इंडिया में वर्क परमिट के लिए, तो मैंने अपने एक फ़ोन फ्रेंड को फ़ोन किया, वो मेरी कंपनी का नहीं था बट वहीं उसी शहर में रहता था जहाँ मैं एम्प्लॉयड था, उसको बोलता भाई जा तू क्लिनिक से पेपर निकाल, तो गया क्लिनिक वालों से रिक्वेस्ट करके उसकी एक कॉपी मिल गई जो मैं मेडिकल टेस्ट दिया था, तो मैंने वो यहाँ पे दोबारा से चिपका दी और उसके बेसिस पर आगे मैं बढ़ गया। वहीं मैंने मेडिकल PCC सब पहले की लगाई, लेकिन वैलिड ऑफकोर्स सबकी वैलिडिटी होती है तो वैलिड लगाई। और ये देखते देखते मुझे July 7th को वो गोल्डन ईमेल आज भी याद है मुझे, मैं उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, यहाँ कुछ मैंने रेनी सीजन था, इन्फेक्शन हुआ था बहुत लोगों को, तो मैं हॉस्पिटल डॉक्टर के क्लिनिक जा रहा था। चलते चलते रास्ते में अचानक से मेरा पॉकेट में फ़ोन वाइब्रेट हुआ, मैं देखा ईमेल आया, मैं क्लिनिक में बैठे बैठे खोला और जैसे मेल देखी मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मैं तो जैसे डांस कर रहा था एकदम। अगले दिन खबर फैली कि यार मुझे कनाडा का भी PR मिल गया। उसके बाद मैंने मतलब वो स्टैंपिंग के लिए भेज दिया, क्योंकि पासपोर्ट मेरा इंडियन था, स्टैम्प तो लगता ही। और करीब एक वीक के बाद मेरा पासपोर्ट वापस भी आया स्टैम्प होके। फिर मैंने उसी वीकेंड जिस वीक वो आया था नायगरा फॉल्स गया था, रेनबो ब्रिज, तो ब्रिज क्रॉस करके करने का देखा कि वहाँ पे पेडेस्ट्रियन का क्रॉसिंग लगा हुआ है, वहाँ पे 25 सेंट डालकर आप निकल सकते हैं। मैं भी 25 सेंट डाला, मैं आगे निकला, US बॉर्डर में गया, ऑफिशियल चिल्लाया मुझ पर क्या कर रहे आ रहे हो कौन हो तुम, तो मैं कुछ बोलता उससे पहले अपने से उसने बोला फ्लैग पुलिंग, मैं बोला हाँ जी फ्लैग पुलिंग, तो आया एक पेपर दिया बोला वापस जाओ उधर ऑफिसर को दे देना, मैं बोला अच्छा थैंक यू। वापस आया इधर कनाडा साइड में आराम से मेरी प्रोसेसिंग हुई और उसके बाद मैं PR बन गया था। मैं PR बन चुका था लिटरली, मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मतलब जिस तरह से मैं शैटर्ड हुआ था उसके बाद मैं अपना ड्रीम मैं हासिल करूँगा। और मैंने यही सीखा दोस्तों कि अगर कोई चीज़ को सच्चे मन से ट्राई करो और पूरी ईमानदारी से उस पर काम करो तो अंत में भगवान वो आपको देते ही हैं अगर आप पीछे ना हटो। मैंने बहुत तैयारी की थी, बहुत मेहनत किया था और अल्टीमेटली मुझे मिला, तो ये मैंने अचीव कर लिया था। बस फिर क्या था, मैं इस काम में लगा रहा अपना जॉब भी चल रहा था। फिर दोस्तों बात अब 2016 आ चुका था, 2016 के फरवरी में था मैं, तो दोस्तों ये अब ऐसा समय था कि मैं अब अपने एम्प्लॉयर को चाहता था कि मेरे एम्प्लॉयर के लिए, तो मैं एक ट्रांसफर्ड एम्प्लॉय था, टेम्पररी ट्रांसफर्ड एम्प्लॉय था जिसको इंडिया के एक ब्रांच से कनाडा के एक ब्रांच में ट्रांसफर पे भेजा गया था। तो मैं बोल रहा था भाई मेरे को यहीं का बना दे, मेरे को वापस नहीं जाना है, तो वो मैं बहुत ट्राई करता लेकिन नहीं हो रहा था। तब मैं सोचा यार छोड़ो यार अब कंपनी स्विच मार सकते हैं, क्योंकि अब मैं कोई क्लोज वर्क परमिट पर नहीं था, अब मैं परमानेंट रेसिडेंस पर था, मैं कोई भी जॉब कर सकता था, कोई भी लीगल जॉब कर सकता था।
हाँ बोला ठीक है मेरे को क्या फर्क पड़ता है, चलो अप्लाई करना शुरू करते हैं। क्योंकि मेरे पास कोई स्ट्रेस नहीं थी कि मेरे को जल्दी जल्दी सर्वाइवल जॉब चाहिए या कुछ भी, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक फुल टाइम एम्प्लॉयड जॉब में था और मुझे दूसरी जॉब बस देखनी थी जिससे कि मतलब मैं जब चाहे स्विच कर जाऊँ। तो मैं मतलब करने मैं आराम से सर्च किया, मुझे दूसरी जगह जॉब भी मिल गई, मैंने यहाँ पर रिज़ाइन भी मार दिया, उस जॉब को ज्वाइन किया। फिर आता है दोस्तों 2018 में मुझे सिटीजनशिप की एलिजिबिलिटी मिल गई। तो जब मुझे सिटीजनशिप की एलिजिबिलिटी मिल गई तो मैंने अप्लाई भी कर दी। उसके बाद करीब 9 महीने मेरा फाइल प्रोसेसिंग में रहा और सितंबर 2018 को वो गोल्डन डे भी आया जब मुझे कनाडा की सिटीजनशिप मिल गई। तो बेसिकली मेरा इमिग्रेशन का जो था मतलब मैं जो पक्के कहते हैं पक्के हो गए, तो पक्के होने मुझे करीब 6 साल का समय लगा। जो सफ़र मैंने सितंबर 2012 में शुरू किया था वो सितंबर 2018 में जाके पूरा हुआ, मैं कैनेडियन पासपोर्ट ले लिया। अपनी इस कहानी के कुछ अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो शुरू में बुरी तरह शैटर्ड था मैं, उम्मीद नहीं थी कि मैं रिकवर कर पाऊंगा, लेकिन मैंने रिकवर किया और पहले से ज़्यादा वेलोसिटी से मैंने रिकवर किया, ज़्यादा स्पीड के साथ मैंने रिकवर किया। मैंने कर दिखाया क्योंकि मुझे वो करना था और वही नहीं उसके साथ मैंने बहुत कुछ अचीव किया। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए, बहुत बार हुआ मेरे साथ अप्स डाउन्स, लेकिन मैंने कभी भी हिम्मत नहीं छोड़ी, कभी भी पीछे नहीं हटा, लड़ते गया मैं लड़ते गया क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं हार नहीं मानूंगा तो अंत में मेरे को जीतना है, और जो मैं जीता उसके बाद बस मतलब और भी मैंने वैसे अपनी आगे स्पॉन्सर्ड फैमिली स्पॉन्सरशिप ये सब बहुत कुछ किया हूँ और सारे चीज़ मैंने खुद से की क्योंकि मैं समझ गया था ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं, अगर आप अच्छे से पढ़ लिख सकते समझ सकते हो आप खुद से कर सकते हो, मैंने खुद से किया। कहने का यही मतलब है दोस्तों कि ऑनेस्टी के साथ मैंने किया, 6 साल लगे लेकिन मैंने कर दिखाया और फाइनली मैं एक सिटीजन बन गया। एक वर्क परमिट लेके मैं आया था 6 साल पहले और 6 साल बाद मैं पासपोर्ट लेके रह गया। टाइम जैसे भागा वो तो पता ही नहीं चला। अब तो इस बात को 9 साल हो चुके हैं दोस्तों, कहीं पीछे मुड़ के उन दिनों को याद करता हूँ तो कभी अच्छी मेमोरीज भी आती है और कभी कुछ ख़राब मेमोरीज भी आती है जो मेरे साथ हुआ। सबसे बुरा वो था या दोस्तों जब मैं आप सोचिए आपका लक्ष्य आपके सामने आपको दिख रहा है कि बस कुछ दिन आपको और मिल जाए आप ऑटोमेटिकली उसे हिट कर दोगे, लेकिन आपके बिना किसी गलती के अगर आपको फोर्स किया जाए कि आप वो नहीं कर सकते तो आपको कैसा लगेगा। मैंने वो टाइम देखा, मैंने वो समय बिताया। खैर अब जो हुआ जैसा हुआ अल्टीमेटली मैंने अचीव कर लिया। बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों गिव अप मत कीजिए, लड़ते रहिए, ऊपर वाला आपके फेवर में सिचुएशन लाएगा अगर आप हार नहीं मानोगे तो। और हो गया मेरा कनाडा इमिग्रेशन पूरा। बस यही थी मेरी कहानी दोस्तों। आगे अगर आपको कुछ पूछना है कुछ आप जानना चाहते हैं तो बताइए, ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं तो आपके साथ साझा कर ही सकता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद वीडियो के लिए।